गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे जो टेंस का हमने सीरीज छेड़ी हुई थी उसका अंतिम पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इससे पहले हम प्रेजेंट पूरा कर चुके हैं, पास्ट पूरा कर चुके हैं, फ्यूचर भी हम लगभग पूरा कर चुके हैं, उसका आज ये अंतिम पार्ट है। उम्मीद है आपने वो सब देखे हैं। अगर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर का एक लिस्ट मिलेगी ग्रामर की, उसके अंदर आपको सारे टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम इस टेंस की बात करें तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। पहचान के लिए हमें हिंदी के जो वाक्य हैं उनके अंदर जो मुख्य वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उनके अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी आदि आते हैं। ठीक है, अगर हमें ये पहचान दिखे तो हम पहचान लेंगे कि ये किस कौन से टेंस के वाक्य हैं, फ्यूचर परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की अगर बात करूं तो इसके अंदर शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, किस किस का, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब हमें ये पता है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो आई और वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम जैसा ये कंटीन्यूअस टेंस है तो मुख्य जो वर्ब होती है इसकी वो मेन क्रिया यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं, यानी कि मुख्य वर्ब और उसके साथ ही साथ लगा देंगे हम आई एन जी। उसके बाद अगर हम बात करें इस टेंस के अंदर टाइम दिया हुआ होता है कि मैं इतने दिनों से या इतने सालों से या इतने महीनों से ये काम कर रहा हूं, उसके लिए हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि फॉर का प्रयोग कहां करते हैं और सिंस का प्रयोग हम कहां पे करते हैं। तो फॉर का जो प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कोई निश्चित समय है उसका कोई पीरियड दे रखा है, जैसे दो घंटे से या तीन घंटे से, वो टाइम निश्चित नहीं होता तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और जो टाइम निश्चित होता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, तो उसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद हम एक वाक्य देख लेते हैं, मैं लिखता रहूंगा। अब इस वाक्य में हम क्या पहचान कर रहे हैं कि पीछे क्या आ रहा है, ता रहूंगा। तो हम देख के इसको बता सकते हैं कि यह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं 10 दिनों तक यह काम करता रहूंगा। अब इसके अंदर ता रहूंगा तो है लेकिन साथ के साथ इसने दे दिया के 10 दिनों तक। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम इन्होंने दे दिया तो, लेकिन ये 10 दिन कौन सी है ये हमें पता नहीं है, तो हम फोर का प्रयोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो हम इसके रूल देख लेते हैं, इसके फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, उसके बाद क्या आता है, जैसे हमने हर टेंस के अंदर किया है। ठीक है, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट, यानी कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सब्जेक्ट का कोई भी टेंस हो उसका सिंपल, जब हम सेंटेंस बना रहे हैं साधारण वाक्य जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। हर सिंपल जो सेंटेंस है उसका रूल होता है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अंत में लगाते हैं फुल स्टॉप। तो यहां पर भी वही है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ये हमारी मुख्य वर्ब है। ठीक है, तो उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह, और उसके बाद हम लगाएंगे टाइम पीरियड। ठीक है, सिंस और फोर का प्रयोग करके, या हम अपना अगर वाक्य यहीं तक खत्म होता है तो हम यहीं भी इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे की चीज दी गई है तो हम आगे का फॉर्मेट यूज कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, हम एक घंटे तक पत्र लिखते रहेंगे।
ठीक है, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, सेल, तो सेल हैव बीन, वी शैल हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर। तो इस प्रकार ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, वी शैल हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर। ठीक है, अब फोर का प्रयोग क्यों किया है हमने, क्योंकि आवर जो है वो निश्चित नहीं है कि कौन सा घंटा है, वैन 8 से 9 है, 10 से 11, 1 से 2, ये हमें पता नहीं है, तो हम 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस हो गया, उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं वाले वाक्य जिसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे, और नोट अकेला नहीं आएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल, हैव बीन या विल हैव बीन, तो सेल के बाद ही नोट लगा देंगे, या विल के बाद ही नोट लगा देंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल नोट हैव बीन या विल नोट हैव बीन, इसका हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है, बाकी हमारा जो सिंपल सेंटेंस था सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर किस चीज का फर्क हुआ, सिर्फ नहीं, वाक्य में सिर्फ नहीं शब्द लगा है, तो हम सेल और विल के बाद सिर्फ नोट लगा देंगे, बाकी वही का वही करते हैं। हम एक घंटे तक पत्र नहीं लिखते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर, और हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, अंत में फुल स्टॉप लगा दें। तो हमने चेंज कहां पर किया, सिर्फ सेल हैव बीन के बीच में शैल के बाद हमने नोट लगा दिया, बाकी हमारा फॉर्मेट जो है सेम का सेम रहेगा। क्लियर, सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको पता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम कि सेल और विल को ही आगे ले आना है, पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आनी, सिर्फ सेल और विल को आगे लेके आएंगे। जैसा हमने सिंपल सेंटेंस में किया था कि पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आगे का जो फॉर्मेट था, उसके अंदर जो हमारी वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, सेल हैव बीन विल हैव बीन, तो हम सिर्फ सेल या विल को आगे लेके आएंगे। तो सेल और विल अगर इसके आगे आता तो क्या होता है, सेल और विल सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म, सॉरी हैव बीन वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी अदर वर्ड्स और टाइम पीरियड। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मेट बनेगा, सेल और विल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, क्लियर है, और फिर बाकी हमारा जो सेम फॉर्मेट है वो सेम रहेगा जो ऊपर वाले सेंटेंस में था। ठीक है, यानी कि वर्ब की पहली फंक्शन आईएनजी, अदर वर्ड्स, टाइम पीरियड, और अंत में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम इसी के वाक्य बना लेते हैं। जैसे हम एक घंटे तक पत्र लिखते रहेंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, क्या हम एक घंटे तक पत्र लिखते रहेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, शैल वी हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, उसके बाद आता है कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस वाक्य में नहीं भी होता है और क्या वाले वाक्य भी, यानी कि प्रश्नवाचक भी है ये और नकारात्मक वाक्य भी है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसके अंदर सेल और विल को हम आगे ले आते हैं, बाकी हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहले सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी,
और अदर वर्ड्स, उसके बाद टाइम पीरियड और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बुला के देखते हैं इसको भी। शेल वी नोट हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर एन आवर और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आज का जो हमारा टेंस था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको टेंस अच्छे से समझ आए हैं। हमने जहां तक कोशिश की है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है और बिल्कुल हर एक सेंटेंस या हर एक जो रूल है वो आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टेंस समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम ग्रामर के अगले टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।